हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोग हमारे चैनल पे। तो बस आज का जो वीडियो है, मतलब कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मेरे चैनल का। तो गाइस वो जो है गाइस कि आप कैसे M8B मतलब यानी कि स्नाइपर कैसे बहुत सही से चला पाओगे, जैसे आप देख रहे हो मेरा इस वीडियो पे। तो गाइस ये आप कैसे सीख पाओगे, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखना, लाइक का बटन ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग तो सपोर्ट मेरे को करते नहीं हो, तब क्या बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो गाइस सबसे पहला जो स्टेप है, मतलब आप पहले देख लो कि ऐसे चलाओगे, ठीक है? देख लो, अब ऐसे चलाने पे आप लोगों को पहले तो लगेगा कस्टम में मैं जाता हूँ। अभी देखो गाइस पहला जो ट्रिक है वो है इस फायर बटन को यहाँ पे रखना, ठीक ठाक आपको रखना चाहिए। अभी देखो ये जो चेंजिंग बटन है उसको इस जगह पे, अब देखो स्कोप को क्या करना है, ऊपर रख सकते हो या फिर अगर 3 फिंगर है तो ऊपर रखना, और या फिर 2 फिंगर तो यहाँ पे रखना। मैं 2 फिंगर पे रहूँ तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अभी देखो गाइस ये एक के बाद में एक के बाद में एक में रेखा आ रहा है, ऐसे मारना है। देखो गाइस 3 जो है वो पहले वो बाद में होगा। देखो 1 पे पहले फायर, 2 मतलब वो उस जगह पे, और 3 मतलब स्कोप के जगह पे। तो ये आप लोगों को दिखा कर मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इजी ट्रिक है और ये 2 फिंगर पैर के लिए बहुत सही है अगर आप M8B रैंक पुशिंग के लिए चलाते हो तो। वैसे गाइस अगर आप 3 फिंगर पे खेलते हो तो ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलता है, पर गाइस अब मोबाइल के लिए 2 फिंगर इज बेस्ट आई थिंक गाइस। तो ऐसे करके आप चला सकते हो, बहुत सही है, बहुत अच्छा। अभी गाइस बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर, और गाइस ये ट्रिक नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत मतलब सबसे बढ़िया है, लेकिन गाइस ये 3 फिंगर बंदे के लिए है। तो अगर आप चाहते हो 3 फिंगर तो कर सकते हो, वरना गाइस आप 2 फिंगर पे भी कर सकते हो ऐसे, अगर नीचे रखा तो 2 फिंगर, अगर ऊपर रखा तो 3 फिंगर, समझ गए ना गाइस? देख लो, मतलब मैं अलग से दिखा नहीं रहा, मैं 2 फिंगर पे लड़ूँ इसलिए 2 फिंगर पे दे रहा। अभी देखो गाइस ऐसे करना है, ठीक है? मैं 1 2 3 करके दिखा रहा हूँ, किसके बाद किस देना है वो दबाना है, ट्रेनिंग पे ट्राई करना, 101% आप एक M8B का लाजा बन जाओगे, ठीक है? बंदे लोग आपको देख के बोलेगा भाई ये बहुत अच्छा स्नाइपर चलाता है, आपको टूर्नामेंट पे भी ले लेगा, आपको बिल पे भी ले लेगा आपका। तो गाइस 2 दिन बाद आप भी बन जाओगे नजीब गेमिंग अगर ऐसे ट्रिक करते रहे, बस 1 हफ्ता आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बस पहले बता रहा हूँ कि आप कभी भी मतलब मैं इजी कर सकता हूँ आपका वे, पर गाइस मैं वो नहीं कर पाऊँगा, एकदम से बहुत इजी नहीं कर पाऊँगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, वरना आप है बोले तो गाइस, ठीक है? तो आप ये वाला ट्रिक, मैं तो बोलूँगा कि ये जो 3rd ट्रिक है, मतलब कि लास्ट वाला जो ट्रिक मैंने दिया उसको फॉलो करो तो फिर गाइस एकदम से मस्त होगा आपका, आपके लिए हेडशॉट के ऊपर हेडशॉट पड़ेंगे और स्नाइपर किंग ही आप बन जाओगे। लेकिन गाइस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना होगा, मेरा उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं उतना अच्छा चला नहीं पा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ स्नाइपर चलाने का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, एक तो सब्सक्राइब मांगता है गाइस ये वीडियो के लिए, लाइक तो मांगता ही और सब्सक्राइब करना ही होगा गाइस, ये मतलब कि सक्सेसफुल हुआ ना तो सब्सक्राइब करके ही आना गाइस, और शेयर कर देना जो भी ये चलाना नहीं आता स्नाइपर उन लोगों को। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।